एक्सप्रेस न्यूज। यूपी के श्रावस्ती में सीताद्वार में बीजेपी की ओर से किसान कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी सिंह उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय सांसद और विधायक सहित जिला अध्यक्ष के साथ साथ पूरा बीजेपी कुनबा उपस्थित रहा। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार बुंदेलखंड में दलहन तिलहन व आलू क्रय केंद्र खोलकर किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिला चुकी है। उर्वरक के अंधाधुंध प्रयोग से जमीन की उर्वरक शक्ति प्रभावित होती है, इसलिए गौमूत्र व गोबर की खाद प्रयोग कर गुणवत्तापूर्ण फसल पैदा करें। इससे उत्पादन बढ़ेगा, साथ ही बेहतर रेट मिलने से आय भी दोगुनी के बजाय चारगुनी हो जाएगी। वहीं सांसद ने केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि केंद्र सरकार के अधिकांश बजट किसानों को ही समर्पित हैं। वहीं विधायक रामफेरन पांडे ने सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर पात्रता के अनुरूप लाभ उठाने के लिए प्रेरित भी किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने लगातार 70 वर्षों से एक डिमांड चल रही थी किसानों की कि जितनी हमारी लागत है उसमें जमीन, मजदूरी, पानी, खाद सारी चीज़ों को जोड़ करके तो हमें उसका 1.5 गुना मिलना चाहिए और हमारी सरकार ने 2 गुना लक्ष्य रखा है। इसी को देखते हुए अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने सारी लागत निकाल करके और उसमें जिस फसल में जितना कम था उसका 1.5 गुना देने का काम MRP अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया है। इसके लिए हम अपनी ओर से और अपने प्रदेश के किसानों की ओर से ढेर सारी बधाई अपने प्रधानमंत्री जी।